हेलो फ्रेंड्स दिस इज़ नेहा हेयर एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वी एच यू पाथ सैला डेली रोज़ को कंटिन्यू करते हुए ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है एंड इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जोग्राफी का एंड इससे आपके क्वेश्चंस भी काफ़ी आज किए जाते हैं कवर करेंगे वेल अगेन मैं आपको कह रही हूँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए टाइम मैनेजमेंट को सही कीजिए एंड यस क्वेश्चन पर भी अपनी पकड़ को स्ट्रॉन्ग कीजिए सॉरी मंडल आपको पता है आपके सौर्यमंडल में टोटल एट प्लैनिट्स हैं कौन कौन से हैं मरकरी वेनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस नैपचून मैंने सीरीज वाइज बोला है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते है? आपको है, है angry, तरफ, हैं क्या कहते है? आपको पता है प्लेनेट जो हैं ग्रह वो सन के चारों तरफ एलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं आपको पता है प्लैनिट के चारों तरफ जो घूमता है उसे हम उपग्रह कहते हैं ठीक है आपको पता है अर्थ का उपग्रह है चंदा मामा चंद्रमा ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया देखिए ग्रहों की जो गति का नियम है ये कैप्लर ने पता लगाया फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कैपलर्स ला अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं टोटल तारामंडल एटी नाइन है ध्यान रखना है सौर्यमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौर्यमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ज्यूपिटर है सौर्यमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है जन्मदाता सौर्यमंडल का मतलब तो सौर्यमंडल की उत्पत्ति किससे हुई सूर्य से हुई सूर्य को जन्मदाता कहा जाता है कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं देखिए दक्षिणावर्त कौन से ग्रह घूमते हैं तो ये दो ग्रह हैं जो दक्षिणावर्त घूमते हैं शुक्र और अरुण ओके शुक्र और अरुण निक्स ओलंपिया कोलम्पस पर्वत किस ग्रह पर है देखिए निक्स ओलंपिया कोलम्पस पर्वत मंगल ग्रह पर है ध्यान रखेंगे सौर्यमंडल की खोज किसने की कॉपर ने की रिपीटेड होता है क्वेश्चन ये सूर्य कौन सी गैस का गोला है हाइड्रोजन व हीलियम सूर्य जो है आपका सन वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं प्रकाश मंडल आपको पता है सन में आपकी कई लेयर्स से उसकी जो आपका मिडल पार्ट है उसको हम प्रकाश मंडल कहते हैं सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है उपसौर देखिए सूर्य से जो ग्रह की दूरी है सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी है उसको हम लोग अपसौर और उपसौर कहते हैं अब ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है बहुत ज़्यादा होती है सबसे ज़्यादा दूर होते हैं तब हम उसे अपसौर कहते हैं अपेलोन कहते हैं ठीक है और ये अपेलोन की जो सिचुएशन है ये फोर जुलाई को होती है मतलब चार जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होता है अब अगर हम बात करें उपसौर इसे हम लोग कहते हैं पेरीहिलॉन तो इस समय क्या होता है कि सूर्य जो है वो पृथ्वी के सबसे पास होता है ठीक है और ठीक है इसको हम लोग कहते हैं उपसौर सौर पेरीहिलोन सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना परसेंट है देखिए आपको पता है हाइड्रोजन और हीलियम से सन बन रहा है इसमें हाइड्रोजन का टोटल सेवेंटी वन परसेंट है और रिमेनिंग हीलियम कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है सबसे पास आपका होता है मरकरी बुध बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है देखिए जो बुध ग्रह है वो सबसे पास है तो कम टाइम ही लेगा एटी एट डेज का टाइम लेता है सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है सबसे दूर आपको पता है नैपचून है वरुण मरकरी वेनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस नैप्चून सीरीज याद रखेंगे क्वेश्चन बन जाएंगे कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं कौन से वो ग्रह हैं जिनके पास अपना उपग्रह नहीं है वो आपका है मरकरी और वेनस बुध व शुक्र कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है सबसे कम समय में ऑफ कोर्स बुध मरकरी लगाएगा बिकॉज ये सबसे पास है टोटल एटी एट डेज में ये एक परिक्रमा पूरा कर लेता है किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है वेनस को पृथ्वी के वहन ट्विन्स कहा जाता है अर्थ ट्विन्स वेनस को किस ग्रह पर जीव रहते हैं आपको पता है टोटल आपके एट प्लैनेट्स हैं और इनमें आपका जो अर्थ है यहाँ पर जीव रहते हैं ओके okay. पृथ्वी का उपग्रह कौन है चंद्रमा है पृथ्वी का उपग्रह पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर एक बार जो है पूरा थ्री सिक्सटी फाइव डेज फाइव आवर्स फोर्टी एट मिनट मिनट है मिनट मिनट फोर्टी सिक्स सेकेंड में पूरा करती है अपने अक्ष पर एक बार घूम जाती है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा वाटर है आपको पता होना चाहिए किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है जीवाश्म मीन्स फॉसिल किस ग्रह को कहा जाता है फॉसिल प्लेनेट चंद्रमा को चंद्रमा उपग्रह है ध्यान रखेंगे चंद्रमा क्या है उपग्रह है पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं पृथ्वी से हमें चंद्रमा का 57 परसेंट पार्ट ही दिखाई देता है ध्यान रखना है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है देखिए उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन जो होता है आपका ट्वेंटी फर्स्ट जून को होता है यही हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है यह आपका ट्वेंटी सेकेंड दिसंबर को होता है किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं रात भी जितने टाइम की रात होगी उतने टाइम का दिन ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ मार्च और ट्वेंटी सेकेंड ऑफ सितंबर को मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है ओलिपस में से पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं सौर्यवर्ष लाइटियर पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है देखिए जो आपके ऋतु में चेंजेस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं तो पृथ्वी का अक्ष पर झुके होने की वजह से जो अक्ष पर वो झुका हुआ है उसकी वजह से ही पृथ्वी में पृथ्वी पर आपको ये ऋतु जो चेंजेस देखने को मिलते हैं ओके ये उसकी वजह से अक्ष पर झुके होने की वजह से देखने को मिलता है प्लूटो ग्रह प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई देखिए प्लूटो को ट्वेल्फ प्लानट की कैटेगरी में रख दिया गया ट्वेंटी फोर ऑफ अगस्त टू थाउजेंड सिक्स से चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है ट्वेंटी सेवन डेज एट आवर्स में चंद्र ग्रहण कब होता है पूर्णिमा को और सूर्य ग्रहण कब होता है अमावस्या को अब ये चंद्र ग्रहण सोलर लिप्स एंड मून लिप्स क्या है देखिए चंद्र ग्रहण तब लगता है जब चंदा मामा इम्स चंद्रमा और सूर्य के बीच में अर्थ आ जाता है इसकी वजह से क्या होता है कि सूर्य की जो रोशनी है वो चंद्रमा के ऊपर नहीं पड़ती है राइट तो वो उसकी परछाई पड़ती है पृथ्वी की इस वजह से आपका चंद्रमा जो दिखा ढका हुआ दिखाई देता है ब्लैक दिखाई देता है इसकी वजह से क्या होता है चंद्र ग्रहण अब सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि पृथ्वी और चंद सूर्य के बीच में सॉरी पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंदा मामा आ जाते हैं जिसकी वजह से सूर्य जो है आपका दिखाई नहीं देता उसके ऊपर परछाई दिखाई देती है किसकी चंद्रमा की ठीक है मतलब चंद्रमा सूर्य ढक जाता है तो अब यहाँ पे होता है आपका चंद्र सॉरी सूर्य ग्रहण कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है चंद्रमा को हम रात की रानी कहते हैं नंगी आँखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं मीन्स नेक्ड आई से शनि ग्रह सैटर्न को हम देख सकते हैं सूर्य ग्रहण का क्या कारण है देखिए चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने के कारण सूर्य का न दिखाई देना चंद्र ग्रहण कैसे होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं देता है सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है शुक्र ग्रह को ऑफकोर्स कहा जाएगा पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है फोर्थ जुलाई को राइट right? सबसे दूर होती है फोर जुलाई को इसे हम कहते हैं अपसौर एप पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है थर्ड जनवरी को इस सिचुएशन को हम कहते हैं उपसौर पेरीहेल्योन पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है ठीक है पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है रात व दिन होने का क्या कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना मतलब जो आपके डे और नाइट होते हैं वो किस वजह से होते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है इसी वजह से आपको डे दे नाइट देखने को मिलता है सूर्य मंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया कॉपर निकस ने लगाया था राइट चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है दो सेकेंड से भी कम का समय लगता है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में ठीक है किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है ऑफ कोर्स चंद्रमा को कहा जाएगा सो so, वेल well, ये आपके सोलर सिस्टम्स के लिए इम्पॉर्टेंट वन लाइनर थे राइट वन लाइनर पी बनाना एंड आपको रिवाइज कराना सारे टॉपिक्स को बाई वन लाइनर कवर करना काफ़ी टफ होता है बट येस yes, पढ़ने में उतना ही ईजी होता है सो so आप इसे पढ़ो इससे हेल्प लो एंड ओके बाय बाय थैंक यू